हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खोया कैमरा पाकर रेल यात्री के चेहरे पर लौटी रौनक। रेलवे पुलिस ने एक पर्यटक को उसका खोया कैमरा मिलने पर उसे वापस लौटाया। इस कैमरे की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई गई है। कीमती कैमरा मिलने पर पर्यटक ने रेलवे पुलिस का आभार जताया। रेलवे थानाधिकारी रविंद्र बोथरा के अनुसार कार्यवाहक चौकी प्रभारी मनोहर सिंह ने बताया कि हैदराबाद निवासी योगेश पोदार ने जैसलमेर रेलवे चौकी पर उपस्थित होकर रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया कि वे परिवार के साथ 17 अक्टूबर को ट्रेन संख्या 14659 के कोच नंबर 4 में यात्रा करता हुआ जैसलमेर आया था। उसका एक काले रंग का छोटा बैग था जिसके अंदर करीब 1 लाख रुपए कीमत का कैमरा, लेंस, मेमोरी कार्ड इत्यादि थे। वे ट्रेन में भूल गया। इस सूचना पर थानाधिकारी बोथरा के निर्देश अनुसार चौकी प्रभारी मनोहर सिंह, कांस्टेबल लिखमा राम और पीरचंद को तलाशी के दौरान दिल्ली जैसलमेर एक्सप्रेस के कोच में लावारिस हालात में बैग पड़ा हुआ मिला। उसको चौकी पर लेके आए, जिस पर हैदराबाद निवासी योगेश कुमार पोदार ने चौकी पहुंचकर उक्त बैग में कार्ड की पहचान की और अपना होना बताया। इसके बाद बैग को स्वतंत्र गवाह रामलाल कुमार की उपस्थिति में उसे सुपुर्द किया गया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।